नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल रविंद टेक में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में जियो फोन 5G लॉन्च होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जियो फोन पहले से अगर आप लोग यूज करते आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग को अपडेट करने का मौका मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, भारत में जल्द ही जियो फोन 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, जो कि कई वेरियंट में इसी स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके पूरे डिटेल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए। अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो आप लोग को मिल जाता है, जो कि जियो फोन 5G में आप लोग को 5.45 इंच का आप लोग को डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि फ्रेंड्स आप लोग को रेजोल्यूशन इस स्मार्टफोन में 720 आप लोग को इस स्मार्टफोन में रेजोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में रैम स्टोरेज की बात करें तो आप लोग को कई वेरिएंट में आप लोग को यह स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जो कि पहला आप लोग को मिल जाता है 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट वाला यह स्मार्टफोन, जो कि 720 जो कि आप लोग को रेजोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलेगा। दूसरा वेरिएंट में आप लोग को बता दूं कि आप लोग को इस स्मार्टफोन में, जो कि जियो फोन 5G में, आप लोग को 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट वाला यहाँ स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जो कि सेम प्राइस के हिसाब से यहाँ स्मार्टफोन में जो कि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट वाला आप लोग को इस स्मार्टफोन में ज़्यादा देख प्राइस में मिलने वाला है, जो कि 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट वाला यहाँ स्मार्टफोन आप लोग को कम प्राइस में आप लोग को यहाँ स्मार्टफोन मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, कैमरा क्वालिटी की बात किया जाए तो यहाँ आप लोग को रियल कैमरा आप लोग को 13 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जो कि अच्छा पिक्चर क्वालिटी आप लोग ले सकते हैं फ्रेंड्स। और इस स्मार्टफोन की फ्रंट कैमरा की बात करें, जो कि सेल्फी कैमरा आप लोग फोटो खींच सकते हैं, जो कि इस स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का आप लोग को सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। पहला वाला 2GB रैम और यहाँ स्मार्टफोन जो कि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरियंट वाला स्मार्टफोन में दोनों स्मार्टफोन में सेम कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस के हिसाब से बात करें तो दोनों स्मार्टफोन को अलग अलग प्राइस के रेंज में रखा गया है फ्रेंड्स। यह 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट वाला कस्टम एंड्राइड पर चलने वाला है, जो कि बता दें फ्रेंड्स कि आप लोग को जो कि सेकंड वेरिएंट की बात करें तो आप लोग को 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट वाला यही स्मार्टफोन, जो कि आप लोग को प्रोसेसर मिल जाता है 480 प्रोसेसर यहाँ स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग वेरियंट में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस दोनों वेरिएंट के प्राइस की बात करें तो आप लोग को मिल जाता है, जो कि 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट वाला आप लोग को लगभग 9000 के आसपास मिलने वाला है। प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स, इस प्राइस तो आप लोग को 12000 के आसपास मिलने वाला है, जो कि फ्रेंड्स इस प्राइस को आगे पीछे कम ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, जो कि घटाया भी जा सकता है। इसके प्राइस को अभी कोई फिक्स नहीं बताया जा रहा है फ्रेंड्स। अगर आप लोग को यह स्मार्टफोन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, जो कि उसे दो वेरिएंट में, इसे बाकी और कुछ वेरिएंट में बाद में लॉन्च किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं 2GB रैम वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ और 4GB रैम वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। तो दोनों ही स्मार्टफोन अगर आप लोग लेना चाहते हैं, जो कि कम प्राइस के हिसाब से बात करें, कम प्राइस के हिसाब से आप लोग को 2GB रैम लेना चाहिए 2GB रैम वेरिएंट वाला, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा बजट है तो आप लोग 4GB रैम वेरिएंट वाला यहाँ स्मार्टफोन को आप लोग ले सकते हैं। तो दोनों फ़ोन के प्राइस अलग अलग रखा गया है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप लोग को इसी तरह की वीडियो, अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो आपको हमसे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।